वीडियो शुरू करने से पहले यार बता दूं कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी करके रखा है या फिर अभी करने वाला हो तो मेक श्योर यार सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन होते हैं ना ऑल पे कर लेना, क्योंकि पर्सनलाइज पे रखोगे तो नोटिफिकेशन देगा नहीं। अभी यूट्यूब का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है तो मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर रखना। हाय दोस्तों, मैं देव और आप सभी का माइनक्राफ्ट की न्यू वीडियो में स्वागत है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर पाने के लिए। और आपको एक बात बता दूं यार, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं आ रहा है वीडियो पे, बिल्कुल भी मतलब लोग नहीं जा रहे हैं नोटिफिकेशन, इसलिए प्लीज़ यार एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लो दोबारा से और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना यार, सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अब तो आज अपन एक क्राफ्टिंग टेबल बनाने वाले हैं एडवांस वाली। पहले तो अपन को नॉर्मल क्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ी, फिर अपन को एडवांस वाली, तो वो आपको आगे बताऊँगा। तो पहले बता देता हूँ, ये देखो ये यहाँ पे गेयर लगाए हुए, ऊपर एक टर्नेबल लगा हुआ है, टर्नेबल के ऊपर लगाया मैंने। ये थोड़ा सा लैग हो गया यार, भाई आज लैग हो रहा है पीसी, आई डोंट नो। तो कोई मैंने ये नीचे लगा हुआ है गियर बॉक्स, ऊपर टर्नेबल और ऊपर एक वुड का ब्लॉक लगा हुआ है जिसमें ऊपर मैंने मतलब रेड स्टोन की टॉर्च लगा रखी है और ये यहाँ पे कर रखा है। और यहाँ से मैंने दो गियर बॉक्स को कनेक्ट कर रखा है, जो अपन मैंने बाल ये लगा रखा है ना हवा देने वाला, तो इसका नाम है बेलिंग, ऐसे कुछ नाम है इसका, मैं बनाना भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन को ये हिबाची बनानी पड़ेगी, बाद में बताऊँगा वो। तो हिबाची बनाने के लिए अपन को ये डस्ट बनानी पड़ेगी और ये डस्ट बनेगी इसके अंदर, ये होपर के अंदर, और ये होपर बहुत खतरनाक है लिटरली, इससे गास्ट निकलती है तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। और ये एकदम ईजी है, सीडिंग बढ़ाओ और गियर बॉक्स रखो, ये प्लेट रखो और ये रख दो, सारी चीज़ें नॉर्मल सा ये बनके तैयार हो जाएगा होप। तो अब आपको ये ब्लॉज बनाना बता देता हूँ, BOBELLOWS ऐसे कुछ नाम है, तो आप देख लेना। इसको बनाना एकदम ईजी है, इसमें लेदर चाहिए होता है और ये गियर बॉक्स और नॉर्मल सी ये सीटिंग चाहिए होती है, तो ये नॉर्मल सा बन जाएगा, मैंने बना लिया है पहले ही। और अब मुझे इसमें इस नैदर रैक डालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें एक डस्ट बनानी है, जो नैदर रैक को पीस के देगा उससे एक डस्ट बनती है। तो कोई भी नेदर रैक चलेगी, ऐसे नहीं कि बहुत अलग अलग टाइप की नेदर रैक मिलेंगी आपको नेदर में, तो कोई भी नेदर रैक डाल देना आपको ये डस्ट मिलेगी। तो ये डस्ट मेरे को चाहिएगी 24 के आसपास चाहिएगी, तो मैंने बना लिए हैं 12 के आसपास, तो और बनने के लिए मैंने छोड़ के आ गया हूँ। तो ये मैं होपर भी लेके आ गया, इसमें मैं सैंड बोलते हैं और इसके अंदर ये डाल देते हैं सोल सैंड। और थोड़ा सा स्लो काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे गास्ट स्पॉन हो जाएगी। तो देखो ये रेड कलर वाली डस्ट बन जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाती है इस पर डालोगे तो, बट ये थोड़ा खतरा है क्योंकि यहाँ पे गास्ट स्पॉन हो सकती है। तो धीरे धीरे डालना, जितना हो सके उतना धीरे डालना, और गास्ट स्पॉन हो गई तो मैं इसी का वेट कर रहा था। देखो ये गास्ट स्पॉन हो जाती है, तो इसको मार भी देना, ज़्यादा ऊपर चली जाएगी तो आपके मतलब घर को तहस नहस कर सकती हो, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ काम करना। तो मुझे एक बार घर पे जाके आना पड़ेगा और मेरे को और वो डस्ट और सारा सामान लेके दोबारा से आना पड़ेगा। तो मैं वो डस्ट और ये होपर लेके आ चुका हूँ और अब दोबारा से यहीं कहीं लगा देता हूँ। और इसके अंदर डालो है सोल सैंड और इसके ऊपर ये ड्रॉप करो ये डस्ट, धीरे धीरे ड्रॉप करना है, जितना हो सके उतना धीरे करना, अदरवाइज यार वो गास्ट आ जाएगी और फिर आपका होपर भी टूट जाएगा वैसे तो। तो थोड़ा स्लो काम करो, तो मैं जल्दी से पूरा बना लेता हूँ और फिर मिलता हूँ अभी आपको 2 मिनट में। तो मिलता हूँ अभी आपको 2 मिनट में, पूरी सारा सामान बनाकर मिलता हूँ 2 मिनट में। तो फाइनली मैं ये गास्ट का मीट खा रहा हूँ जिससे मुझे मतलब उड़ सकते हैं, गास्ट का मीट खाओगे तो आपको उड़ने की पावर मिल जाती है थोड़े से सेकेंड के लिए। तो कोई बात नहीं, अब मैं ले आया हूँ सब कुछ, तो अब मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे बनेगा। तो अपन को एक किलन बनाना पड़ेगा और किलन में एक कोल्ड रोलर बनाएगा। तो किलन बनाने के लिए अपन को ब्रिक चाहिए होंगी, तो ब्रिक तो पड़ी है ना मेरे पास शायद, तो ये ब्रिक की अपन ये वो बना लेते हैं, ब्लॉक बना लेते हैं। तो इन ब्रिक को बना लेते हैं ब्लॉक जितने हो सके, 15 ब्रिक बना लेता हूँ, इनको रख देता हूँ अलग अलग और ये ब्रिक बनके तैयार है। और अब मैं आपको किलन बनाना बता, मुझे कंफर्म नहीं पता था कि वो किलन बनता कैसा है, बट मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ, नॉर्मल सा ट्राई है और कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ भी। तो अपन को मैंने यही सुना है कि इसके ऊपर मुझे किलन बनाना पड़ेगा और एक किलन थोड़ा अजीब टाइप का किलन बनेगा, तो थोड़ा हंसना मत क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता लिटरली रियली में, मैं बस एक बार ट्राई कर रहा हूँ, फर्स्ट बार बना रहा हूँ किलन।
हॉपर समझ लो चाहे यार आप किलन मान लो, एक ही बात है। हॉपर तो नहीं मतलब फर्नेंस मान लो या किलन मान लो, फर्नेंस की तरह काम करेगा और एक पीछे की तरफ भी लगाना पड़ेगा और इन कॉर्नर के तोड़ देना। और मुझे कंफर्म नहीं पता है कि बनेगा कैसे यार, मैं देखता हूँ, मैं ट्राई करके देखता हूँ, ऐसे बनता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर दूसरा तरीका लगाऊंगा। एक तरीका और है इसको बनाने का, फिर यही है कि अपन को हिपाची बनानी पड़ेगी, हिपाची। तो हिपाची बनाकर फिर ही वो दूसरा तरीका बनेगा, तो एक बार देख लेता हूँ। और ये एक बार ऊपर चढ़ो भाई कैसे भी, और पीछे की साइड से इसको बंद कर देता हूँ जल्दी से, और फिर पीछे की साइड से एक ब्लॉक लगाया। और अब इसके अंदर वो पॉट डालना है जो अपन ने पॉट बनाया था, क्ले का पॉट बनाया नहीं, बना लेते हैं पॉट। तो ये क्या पॉट कैसे बनेगा कि जो टर्नेबल है, टर्नेबल के ऊपर एक क्ले का ब्लॉक रखेंगे तो ये पॉट बना के देगा अपन को, एकदम ईजी है। जल्दी से चलते हैं लेके आते हैं क्ले का ब्लॉक। मैंने बहुत सारे क्ले के ब्लॉक बना के रख रखे हैं, तो जल्दी से ले आता हूँ, मेरे चेस्ट में पड़े हुए हैं। करंट बहुत ज़्यादा लगता है यार यहाँ पे। तो इसके अंदर था ना ये रहा क्ले का ब्लॉक, इसमें नहीं था, और ये रहा क्ले का ब्लॉक, ले लेता हूँ और ये पोर्ट बना लेते हैं। मैंने बना के रखा था ऑफलाइन, तो ये क्ले का ब्लॉक बना लेता हूँ जल्दी से, ये रखो और ये पोर्ट बन के तैयार हो जाएगा। अपन को जल्दी से बना के दे देगा, बन गया तो बस जल्दी से तोड़ दो, नहीं ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसमें रख देता हूँ, आई डोंट नो कि काम करेगा या नहीं करेगा, आई डोंट नो ये काम नहीं करेगा। तो अब दूसरा तरीका देखता हूँ। तो अब अपन को क्या करना है कि अपन ने जो एक ये बनाया था किल के रेसे, पता नहीं क्या नाम है इसका, तो इसके अंदर क्या नाम है इसका, कोल्ड रोलन, तो इसके अंदर ये रेड वाली रखेंगे तो अपन को ये इंगट बना के रखेगा, 8 रेड डस्ट से एक इंगट मिलेगा। तो अपन को तीन इंगट बनाने हैं, और तीन इंगट से फिर क्या बनेगा, हिबाची बनेगी। हिबाची से फिर जाके वो क्या बोलते हैं, हिबाची बनाने के बाद में जो अपना किलन फिर बनेगा। तो मैं अभी गलत बना रहा था, मुझे खुद को नहीं पता था कि पोर्ट बनाते कितने किलन बनाते कैसे हैं। तो जल्दी से बना लिए, दो तो बन गए, एक और बन जाए तो ठीक है, बहुत फास्ट काम करता है क्योंकि मैंने बहुत सारी आग जला रखी है नीचे की तरफ। तो ये सारी चीज़ें बन गई हैं, तो अब जल्दी से अपन क्या बोलते हैं हिबाची बना लेते हैं, क्योंकि हिबाची के बिना वो किलन नहीं बनेगा और उस किलन में ये पोर्ट पकेगा, तो ये भी बनाना पड़ेगा हिबाची के लिए। तो ये फाइबर सब कुछ है मेरे पास, तो जल्दी से बना लेता हूँ ये भी, और ये बन के तैयार हो जाएगा। इसको रख देता हूँ रेड स्टोन, और ये रख दिया, ये बन जाएगा थोड़ी सी देर में। तो ये बनके तैयार हो चुका होगा शायद, हाँ बनके तैयार है। तो अब जल्दी से हिबाची बना लेते हैं अपनी, और उसके लिए अपन को स्टोन चाहिए होगा और एक रेड स्टोन। तो सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं, और ये बन गई अपनी हिबाची, और बैलून की भी अपनी एडवांसमेंट कंप्लीट हो गई है। तो कोई बात नहीं, ये मतलब क्या बोलते हैं फायर देती है, और ये अलग कलर की फायर देती है। तो जो अपने बैलून लगा रहे थे ना, उससे जो ये हवा मारता है ना, तो फायर का कलर चेंज हो जाता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और मुझे एक लीवर भी बनाना पड़ेगा। तो एक लीवर बना लेते हैं, लीवर कैसे बनेगा यार, लीवर ऐसे तो बनेगा, एक कोबाल्ट स्टोन रखो और ये लीवर बन के तैयार है। हिबाची को ऑन करने के लिए अपन को लीवर लगाना पड़ेगा, तो हिबाची को ऑन करने के लिए लीवर तो ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो ऑन ऑफ नहीं होगी। तो हिबाची के लिए एक लीवर तो चाहिए होगा, तो लीवर लगा देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। देखो ये हवा मारते हैं, इसकी कलर चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने कनेक्ट कर रखा है, जैसे वो क्या बोलता है, मतलब क्या बोलता है, रिपीट करता रहता है। तो एक बार मुझे यहाँ पे कोल्ड वो बनाना पड़ेगा किलन, तो इसी फायर में वो पकेगा, अदरवाइज़ वो पकेगा नहीं अपना कोल्ड रोलर। तो इसको किलन को सेम वैसे बनाना जो अपने थोड़ी देर पहले बनाया था, और एक इधर बना देता हूँ, इसको बंद कर दिया यार, इधर से बंद नहीं करा, पीछे की साइड से बंद करूँगा, ये मैंने गलत लगा दिया इस साइड, तो पीछे की साइड में इधर लगाओ और ये बंद कर दिया। तो कोई बात नहीं, अब एक कॉर्नर के तोड़ देता हूँ, और फिर अपनी ये एक किलन बनके तैयार है। आई डोंट नो कि काम करेगा या नहीं करेगा, मुझे तो कंफर्म नहीं पता है। तो अब कुछ नहीं करना, नीचे से जो अपन ने ये लगा रखी है इनको तोड़ो, और नीचे जो अपने ब्रिक लगाई थी, जो नेदर वॉट्स लगाए थे, इसको हटाओ और आग जला दो, और ये पोर्ट इसके अंदर डाल दो। तो एक बार इसको तोड़ देता हूँ नीचे से, और आग जला देता हूँ, इसे लीवर ऑन करो, और ये कलर चेंज हो जाएगा, और देखो कन्वर्ट होने लग गया ना, तो ये पका के दे देगा, ज़्यादा देर नहीं लेगा। तो ऐसा इसको बनाना है। तो मैं पहले थोड़ा गलत बनाना था, मुझे खुद को नहीं पता था कि बनता है कैसे है, पहली बार बना रहा हूँ तो ये किलन। तो कोई बात नहीं, अब इसको तोड़ दो, अब इसका कोई काम नहीं है, तो ये पक के तैयार है। तो अब यहाँ पे मुझे ये
कोल्ड रोलर लगाना पड़ेगा जिससे ये आगे प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे एक ब्लॉक लगाओ और इसके ऊपर कोल्ड रोलर रख दो और नीचे का ब्लॉक तोड़ के फायर ऑन कर दो। तो जल्दी से नीचे वाले को तोड़ो और ये फायर ऑन कर दो। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, तो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। देखो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं बन रहा है, अरे बेफालतू की चीज़ें हैं। तो मेल्ट करने के लिए आर्मर, इनको मेल्ट करने के लिए बेफालतू का इतनी मेहनत करा है यार, कुछ नहीं बन रहा है इसमें। तो कोई बात नहीं, अपन को एक क्राफ्टिंग टेबल बनानी है एडवांस लेवल वाली। इसमें बहुत सारी मतलब क्या एयरक्राफ्ट बनेंगे। इसमें एयरक्राफ्ट बनाने के लिए अपन को ये टेबल बनानी पड़ेगी। और ये मतलब क्या क्वार्ट्ज का आयरन, क्या नाम है इसका, क्वार्ट्ज की डस्ट चाहिए होगी, ब्लैक क्वार्ट्ज की। तो ब्लैक क्वार्ट्ज और आयरन को मिलाएंगे ना तो अपन को एक नया ब्लैक आयरन इंगट मिलेगा। तो ये ब्लैक आयरन इंगट अपन को बहुत सारे चाहिए। तो जल्दी से ब्लैक क्वार्ट्ज की डस्ट तो मैंने निकाल के रख रखी है, तो वो निकालना एकदम ईजी। आपको मिल स्टोन में किसी में भी पीस ले लो ब्लैक क्वार्ट्ज को और इसके अंदर चारकोल डाल दिया और ये जल्दी से अपन को ब्लैक आयरन इंगट बना के देगा। तो थोड़ा सा टाइम ले लेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके आगे की प्रोसेस। इसमें ये लगेगी, बहुत सारी चीज़ें लगी यार। सबसे ज़्यादा ब्लैक आयरन इंगट लगेंगे, तो ब्लैक आयरन इंगट बहुत सारी बनाने पड़ेंगे। और ये स्टार डस्ट भी है इसके अंदर। ओ भाई ये तो बनाना बहुत मुश्किल होएगा, बहुत मुश्किल। देखते हैं, ट्राई करते हैं कि बनेगा या नहीं बनेगा। और मुझे बेसिक टेबल, दो टेबल बनानी पड़ेगी सेम। तो कोई बात नहीं, अब जल्दी से इनकी प्लेट बना लेते हैं। और ये ऑटोमेटिक मैंने पिछली वीडियो में कर दिया था, तो आप पिछली वीडियो जाके देख लो। तो जल्दी से इनको प्लेट बना लेता हूँ मैं। तो ब्लैक आयरन इंगट बना लिए मैंने, थोड़े बहुत बनाए, ज़्यादा और बनने के रख रखे हैं, तो वो थोड़ा टाइम लेंगे बनने में। तो जितनी अभी तो मेरे 10 बनी है, तो कम से कम मुझे 24 चाहिए होंगी प्लेट, 24 से ज़्यादा ही चाहिए होंगी, 40 के आसपास चाहिए होंगी प्लेट। तो अभी तो ठीक है, अभी तो इतनी बहुत है। तो अब जल्दी से वो प्लेट बना लेते हैं और वो क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं यार, बेसिक क्राफ्टिंग टेबल। तो बहुत देर हो गई है बेफालतू की करते हुए। तो जल्दी से प्लेट बनानी पड़ेगी अपन को। ये मेरे को 8 प्लेट बनानी पड़ेंगी, 8 प्लेट लगेंगी एक क्राफ्टिंग टेबल में, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। जल्दी से बना लेता हूँ एक बार। ये 4-3 बन गई, एक और बनानी है, फिर इस सेंटर वाली बनानी पड़ेगी, बड़ी वाली। और बड़ी वाली में 4 लगती हैं। तो देखो ये सेंटर वाली बनाने के लिए मुझे 4 लग रही, 4 बना ली। तो अब मुझे एक ये ब्लैक आयरन इंगट और चाहिए होगा, तो ब्लैक आयरन इंगट यहीं से ले लेता हूँ, जितने हो सके यहीं से ले लेता हूँ एक बार, ठीक है। और फिर ये सेंटर वाला बनाकर फिर 4 और बनानी पड़ेगी। तो ये सेंटर वाला बन के तैयार है। तो अब जल्दी से 4 प्लेट बनाकर ये क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, मिलता हूँ अभी। तो फाइनली ये बन के तैयार है अपनी एक क्राफ्टिंग टेबल। अब सेम ही एक और बनानी पड़ेगी, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं जल्दी से इसको भी बना लेता हूँ, फिर अभी मिलता हूँ आपको 2 मिनट में। तो मिलता हूँ अभी आपको 2 मिनट में बनाकर। तो फाइनली ये दूसरी क्राफ्टिंग टेबल भी बन के तैयार है। तो अब अपन को एक एडवांस लेवल वाली ये बनानी पड़ेगी, और इसमें लगेगा गोल्ड और एक ये डस्ट लगेगी, इसमें ब्लेज रोड लगेगी और ये डस्ट और ये गन पाउडर तो पड़ा है यार मेरे पास, बहुत सारा पड़ा है। तो गन पाउडर ये रहा, 29 पड़ा है, तो और भी पड़ा है, बट मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो अभी के लिए 29 बहुत है। तो अब जल्दी से एडवांस लेवल वाली बना लेता हूँ, और इसके लिए अपन को ये बनाना पड़ेगा। पैसा बहुत ज़्यादा क्राफ्टिंग करनी पड़ती है यार एडवेंचर पर तो जा ही नहीं पा रहे यार, इतनी ज़्यादा क्राफ्टिंग है इसके अंदर। तो ये डस्ट बना ले, ये मुझे 8 डस्ट चाहिए होंगी, तो ये 4 रख देता हूँ, 4 ग्लो स्टोन रख देता हूँ, और 4 ये डस्ट रख देता हूँ, स्टार डस्ट, और 4 ये रख देता हूँ। तो मुझे 8 मिल जाएंगे, और मुझे 8 ही चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे। और ये यहाँ पे रखना है, और ये ब्लेज रोड है ना, हाँ ब्लेज रोड, और ये प्लेट चाहिए होंगी। तो प्लेट तो मैंने बनाई नहीं अभी तक, इस मशीन में भी बना सकते हैं, बट अपन इसमें ही काम करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ईजी पड़ता है। मशीन में सांचा लगाओ, फिर उसमें से उसको दबाओ, बहुत टाइम लग जाता है। तो ये ईजी, इसमें बस मारते जाओ और ये अपन को प्लेट बना के दे देगा। तो अपन को ज़्यादा प्लेट नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत ही चाहिए, क्योंकि एडवांस लेवल वाली में थोड़ी बहुत ही चाहिए। तो इसमें यार ब्लेज रोड तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कैसे बनाते हैं। तो ये अपनी एक प्लेट बन के तैयार है, तो ऐसी मुझे चाहिए होंगी 8 प्लेट। लिटरली यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए भी। तो ये 5 तो बन जाएंगी, बट अभी तो और मुझे 8 बनानी पड़ेंगी, बन क्यों नहीं रही। तो ये 5 बन के तैयार हैं, बट मुझे 8 बनानी है, तो 2 और बना लेता हूँ जल्दी से।
दो और रख देते हैं और ये अपनी 8 बनके तैयार है। तो अब अपनी एडवांस लेवल वाली बना लेता हूँ। इसके लिए एक और ये इंगट, ब्लैक आयरन इंगट। तो ये ब्लैक आयरन इंगट मैंने बनाने के लिए रख रखे हैं, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस एक ही इंगट चाहिए था। और अपनी ये एक एडवांस लेवल वाली क्राफ्टिंग टेबल बनके तैयार हो जाएगी। तो इसके अंदर इंजन बनेंगे, मतलब जो एयरक्राफ्ट बनेगा ना उसके इंजन बनेंगे। तो इसलिए अपन को ये सारी चीज़ें बनानी पड़ रही हैं। तो एयरक्राफ्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो इसमें तो यही ठीक है। तो ये अपनी एडवांस लेवल वाली क्राफ्टिंग टेबल भी बन के तैयार है। तो इसमें बहुत सारे इंजन बनेंगे जो इसी में बनेंगे, ज़्यादा कोई काम आने वाले नहीं है, ओनली बस ये एयरक्राफ्ट बनाने के काम आती है। तो देखो अपन को ये बनाना पड़ेगा इंजन, एयरक्राफ्ट इंजन बनाने की पता नहीं क्या चीज़ है, और ये कोर है, मतलब ये लगभग सारी चीज़ें अपन को बनानी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। आपके लिए तो 15 मिनट की है, बट मेरे लिए 2 घंटे की रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो कोई बात नहीं है, मैंने सारी नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, कॉमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती है, प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और प्लीज़ वीडियो पर सपोर्ट दिखाओ यार, इतनी ज़्यादा गिर गई है मेरी व्यू। तो कोई बात नहीं, आप सपोर्ट दिखाओ, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बाय बाय, टाटा, सी यू, अपना ध्यान रखो, बाय बाय। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।